हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। फिर मैं आपके सामने आज लाइव आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हो जाए और वो सब्सक्राइबर से बात हो जाए ताकि उसका जो क्वेश्चंस है आप लोगों के क्वेश्चंस से मिल सके। और मैं चाहता हूँ कि सिंगापुर से रिलेटेड मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत सबसे पहले आपको थैंक्स देना चाहता हूँ जो ओमान दुबई से भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो और इंस्टाग्राम पर जो लाइव हो रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़े, वर्बली बात करें। मैं चाहता हूं हर बार जब मैं इंस्टाग्राम पर लाइव हूं तो एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हो जाए और वो सब्सक्राइबर्स की जो इंफॉर्मेशन है सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम मेरे चैनल पर जाए। तो इसलिए मैं एक सब्सक्राइबर हमेशा जुड़ने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग जुड़े। मैं हाथ में फोन ले लेता हूँ। ये मैं आज घर पर बैठा हुआ हूँ। मैं अभी आज सोच रहा था, मैं काम पर से आया था तो मैं सोचा नहाने के लिए जाऊँ, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो गया हुआ है नहाने के लिए, तो इसलिए मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम है। तो सोच रहा हूँ आप लोगों से लाइव हो जाऊँ। तो देखते हैं आज से कौन मिलता है। सबसे पहले वे कर लेते हैं सबको और इन्वाइट करेंगे, कोई एक लक्की सब्सक्राइबर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तनुज धिनमान है, द बैडिक धाकुर शिवानु है, तो इनवाइटेशन उसकी ली जाएगी और जो जहां तक आंसर दिया जाएगा वहां से बात होगी। तो तन्नू जी जुड़ गए हैं, दिनमान जी जुड़ चुके हैं, तो बात करते हैं उनसे कहां पर है। या सर हेलो, तनुज कुमार जी, तनुज कुमार जी से आज बात होगी। कैसे हो सर? राजपुर से। हाँ, किधर हो आप? वीडियो लाइव वीडियो पर आ जाओ जी। सर कैसे हो आप? हाँ ठीक है भाई, आप बताओ। बढ़िया सर। सर मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप किधर हो? क्या लाइट बंद है क्या? हेलो, हाय। हाँ जी, हेलो, आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो? एक से बात कर ली थी या पूछो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो भाई। आप सिंगापुर में हो? हाँ जी, हाँ जी। आपका वीडियो कॉल नहीं दिख रहा है, किधर हो? आप लोग जुड़े, वीडियो कॉल पर आए, सामने फेस टू फेस बात करें, वो एक सब्सक्राइबर से बात होगा। हेलो, हेलो, कोई लग रहा है जुड़ नहीं पा रहा है। 9 व्यूज ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई कोई ना कोई जुड़े। कृष्णा धीमान जी ज्वाइन करें, आप आ जाए, आपके क्वेश्चंस का जवाब। किसी एक सब्सक्राइबर से जुड़ने की कोशिश पूरी रहती है और किसी से हो जाए तो बात अच्छा है। और हेलो हेलो, क्रेजी धीमान जी, हेलो जी, यूके सुबह, हेलो जी, आप आ जाए जल्दी लाइव पर आ जाए, वीडियो कॉल ही आपको करेंगे बात, कोई एक सब्सक्राइबर से होगी ताकि फेस टू फेस बात हो जाए। मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ, कोई एक लक्की सब्सक्राइबर से वीडियो कॉल पर बात हो जाए। तो इज नॉट एबल टू ज्वाइन, ओके, यू हैव नो रिक्वेस्ट, डिक्लाइन, ओके। कोई है जो वीडियो कॉल पर जाके बात कर सके? एनीबडी एबल टू ज्वाइन मी? अगर आप बात करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। क्रेजी धीमान जी, भाई मैं काम करवा देगा सिंगापुर में। लग रहा है कोई वीडियो कॉल पर आना नहीं चाहता है, तो फिर किसी दिन और बात करेंगे। अब इज नॉट एबल टू ज्वाइन। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भाई। हाँ जी, प्रकाश धीमान जी से बात हो रही है शायद। आप प्रकाश धीमान जी? क्रेजी धीमान, पंकज धीमान। अच्छा, धीमान जी से, ठीक है जी। हाँ बोलो, बोल, कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। कैसे होगा सिंगापुर का काम?
आप किधर हो अभी? मैं बहरीन में। अच्छा, बहरीन में है तो बोलो कोई। सिंगापुर में काम ठीक है, सैलरी? काम तो काम ही होता है, सैलरी थोड़ी अच्छी है शायद, इधर 1 लाख के आसपास बन जाती है। हाँ वही है ना, क्या है वो तो मुश्किल नहीं है। 1 लाख सैलरी, पैसा कितना लगेगा जाने के लिए? आपका एजुकेशन वगैरह क्या है? +2 है, साथ में डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट का। अच्छा, मिस क्या किसी इंडियन कुकिंग जानती हो क्या है कहाँ? कुकिंग इटालियन किचन में, इधर मेरा एक ऑर्डर अच्छा दिएगा, मैं बात कर अच्छा रहा हूँ। मैं इटालियन किचन में काम करता हूँ। अच्छा, तो सिंगापुर में इटालियन, आई मीन इटालियन रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिलेगी, कहने का मतलब आप चाहते हो? इटालियन इंडियन जिस मर्जी में मिल जाए। तो आप वहां से, बहरीन से अप्लाई क्यों नहीं करते? काफी लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करा, हो जाता है naukri.com से, मैंने देखा है। आज ही एक से बात हुई थी, वो उड़ीसा का बंदा आज वो रेस्टोरेंट में आया था, तो मैंने उससे ऐसी बात करी थी, तो वो तो उसने कहा ऑनलाइन naukri.com से अप्लाई करा था, BLS कंपनी है कोई, उसमें ज्वाइन हो गया एज अ CLC ऑपरेटर, $2900 उसको सैलरी मिली। तो एजेंसी के थ्रू आप होटल्स वगैरह में देख लो, नहीं तो आप ऑनलाइन ट्राई करो। एजेंसी से थोड़ा चार्ज ज्यादा होता है, 3 या 5 लाख के आसपास चलता है, लेकिन काम बहुत मेहनत का काम है यहाँ पर शायद। एजेंसी का काम वही है, दिक्कत वाला है ना, थोड़ा अपना आदमी है वो तो सही है। नहीं, दिक्कत नहीं, आपको वीजा चेक करना आएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। IP अगर आप करना आता है कोई नहीं प्रॉब्लम करेगा, वो चीज आना चाहिए आपको। सिंगापुर के लिए खर्चा कितना आ जाएगा आइडिया से? 4 से 5 लाख रुपए आ जाता है मोस्टली, देखा जो एजेंट के थ्रू आते हैं। सैलरी हाँ, सैलरी आपकी बन जाएगी $2200 के आसपास, जो आपकी 1.25 लाख, डेढ़, अब तो $1.65 का चल रहा है आजकल, तो आप हिसाब लगा लो कितने बनते हैं। 1 लाख 30। हाँ, और देखिए 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, ऐसा नहीं कि 8 घंटे की जॉब होगी तो। 16 घंटे की पैसा होना चाहिए, 16 घंटे के 18 घंटे भी हाँ, कर लेते। तो $2200 होटल्स में मिल जाता है, ठीक है। और बहरीन से आप ट्राई कर लो, यूरोप वगैरह क्यों नहीं जाते हैं? यूरोप इधर से थोड़ा दुबई से सही है ना, यूरोप के लिए इधर से ज्यादा दिक्कत अच्छा, है, दुबई से सही है। तो आप किसी एजेंसी देख लो, आप अभी एक NTS वर्क परमिट चला हुआ है, अगर आपको कुकिंग वगैरह काम आता है $2200 के आसपास सैलरी मिल जाती है किसी एजेंसीज के थ्रू, आप देखो, ठीक है। आपकी नहीं है कोई एजेंसी मेन पावर की तरफ से? पहले थी एक दो तो एजेंसीज, लेकिन लोग बोलते हैं वो काम बहुत देर कराती है, इसलिए मैंने रिकमेंड करना वहां से बंद कर दिया। काफी एक दो आए थे, उन्होंने कुछ बोलते कि फ्रॉड थी वो, कुछ बोलते, मैंने तो उसके उससे देखा था कि वहां से बंदे आए थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जॉब वैकेंसी एक दो होती है तो बहुत सारे अप्लाई करते हैं, तो किसी का काम हो जाता है तो उसके लिए वो एजेंसी अच्छी है, किसी का काम नहीं होता है तो उसके लिए एजेंसी वो सही नहीं होती है। तो वैसे तो बहुत सारी एजेंसी मिली, लेकिन सबसे मेन बात है जिसके पास भी वैकेंसी रहेगी, IP अगर आपको चेक करना आता है कोई प्रॉब्लम नहीं की बात होगी नहीं, ठीक है। तो एक बार एजेंसी से हाँ आप, तो 3 से 5 लाख का खर्चा आता है, NTS वर्क परमिट 2 साल का होता है, अप्लाई कर सकते हो। आपको अभी वहां कितने मिल रहे हैं? इधर तो दे रहे हैं 40। हाँ अच्छा, क्योंकि आप बहरीन में हो ना। हाँ, मेरा दोस्त कतार में था, उसको भी 50 के आसपास मिल रहे थे, तो एक बार ट्राई कर लो आपको, ठीक है। वहां से किसी एजेंसी के थ्रू आप आ सकते हैं, 1 लाख तो नॉर्मल मिल ही जाएगा आपको, 12 घंटे की ड्यूटी है तो 1 लाख में आराम आप बता सकते, ठीक है। वो या तो करता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो, फिर देखते हैं क्या बनता है। हाँ, कोई एजेंसी। आपकी एज क्या है अभी? मेरी ये तो 27 है, हाँ, तो 28 लग गया अगस्त में। आ सकते हो, जब बहरीन में इतना टाइम लगा रहे हो, उसमें अगर आप सिंगापुर वगैरह में कहीं 4-5 साल लगा लोगे तो आराम से 40-50 लाख रुपए कमा लोगे, मेहनत करोगे तो। हाँ वही है, देखते हैं। ठीक है, जुड़े रहो इस चैनल से, अगर आपको कभी नौकरी मिलती है, अब और भी ऑप्शंस में आते हैं फ्यूचर्स में, क्योंकि मैंने क्या है, मैंने 13 साल ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और
अभी मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया में भी मैं जाके अपना खुद सेटल हो सकता हूँ, तो ये चीज आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये महीना अगर आप इंडिया में भी रह के कमाते हो, तो ये चीज कमाने के लिए आपको 40-50 लाख रुपए तो चाहिए कम से कम इंडिया में भी रहने के लिए। तो वो हाँ चीज कोई अच्छी कंपनी। हाँ ठीक है। वैसे सैलरी बहुत कम है 40 हज़ार रुपये अगर देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से, क्योंकि विदेश में अगर आप उतने ही टाइम खर्च कर रहे हो, 40 मिल रहे, कम से कम 1 लाख के आसपास ट्राई करो। ठीक है, दुबई वगैरह में ट्राई करो, नहीं तो सिंगापुर वगैरह आने की ट्राई करो। आईपीए वीजा चेक करना आएगा, आपसे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। 1 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे इधर, ठीक है, लेकिन पैसा तो आपको खुद बचाना। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ लोग होते हैं कि पैसा कमा लेते हैं, खर्च करते हैं, तो वो चीज अलग है। वो तो शायद बहरीन में भी होगी, अगर आपको 40 मिलते हैं, 40 भी कम पड़ेंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन आप पैसा हाँ बचाओगे तभी बचेगा। देखते तो हैं। एक बार देख लो कोई एजेंसी मिले तो। ठीक है, ठीक है भाई। तो फिर अगर आपको कुछ मिले तो मुझे बताना, अगर आपका कोई वीजा वगैरह